इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की, जिसको कि हम इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे, हम इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के पास जो उपलब्ध साधन है वो सीमित हैं, और सीमित साधनों में वो ही उत्पादन करेगा अलग अलग वस्तुओं का। तो सुविधा के लिए हम यह मान लेते हैं कि वस्तु दो हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी तकनीक है वो गिवन है, यानी कि ना तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है ना ही साधनों की मात्रा में चेंज हो रहा है। तो उस स्थिति में अगर हम उत्पादन करते हैं एक वस्तु का, यानी कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, ये बात तो डेफिनेटली है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो वस्तुओं के उत्पादन की अनेक संभावनाओं को दर्शाता है। अनेक संभावनाओं का क्या मतलब है कि यदि आप एक्स वस्तु की 100 वस्तु बनाओगे तो वाई वस्तु की आपको कितनी वस्तु मिलेंगी, या अगर मान लीजिए एक्स वस्तु 0 बनाते हो तो वाई वस्तु कितनी बनेगी, या और भी कई संभावना है, उन सभी को एक चित्र के द्वारा जो दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं एक बार आपको टेबल और डायग्राम के थ्रू बता देता हूं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आएंगे, उसके बाद हम इसकी मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि संयोग का मतलब है दो वस्तुओं कॉम्बिनेशन, दो वस्तु ले लिए, एक्स वस्तु वाई वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अर्थव्यवस्था जो है वो सारे के सारे साधन है वो खर्च करती है वाई वस्तु पर, तो डेफिनेटली जब सारे के सारे साधन जब वाई वस्तु पर खर्च किए जाएंगे तो एक्स वस्तु का जो उत्पादन होगा वो शून्य होगा। यहां तक तो मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जो साधन है वो समान रूप से कुशल नहीं होते। देखिए, ये बात आपको याद रखनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार रूप में कि सभी साधन, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, सभी साधन सभी वस्तु के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते, बस आपको ये याद रखना है, बस आप ये याद रखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास जमीन के 10 टुकड़े, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो मान लीजिए जमीन के 10 टुकड़े हैं जिस पर आप 10 कमरे बना सकते हो। मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सुविधा के लिए माना कि एक एक्स वस्तु जो है वो कमरे हैं या मकान की कमरे, तो आप 100 रूम बना सकते हो, क्योंकि आपने सारे के सारे साधन कमरे बनाने में खर्च कर दिए, रूम बनाने में खर्च कर दिए, तो जो गेहूं का उत्पादन होगा वो शून्य होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हमें मान लीजिए अब इसमें से क्या करना है, कुछ साधनों को हटाकर गेहूं के उत्पादन में लगाना है, यानी कि आप चाह रहे हो गेहूं का उत्पादन बढ़े। तो देखिए, आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी साधन अगर मकान बनाने में कुशल हैं समान रूप से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये गेहूं बनाने में समान रूप से कुशल होंगे, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। तो आपको मान लीजिए मैं इसको ए बोल देता हूं, तो हमने क्या किया, ए को गेहूं से हटाया, मकान के कमरों से हटा के गेहूं के उत्पादन में लगाना शुरू कर दिया, तो हम ये मान रहे हैं कि 10 केजी गेहूं आपका बनना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको 10 केजी गेहूं बनाना है तो आपके पास अब मकान की मात्रा जो होगी वो केवल 90 रह जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, बात क्लियर होगी बच्चों। लेकिन अगर आपको अब ये जो मकान ये वाला है, ये वाला केवल 6 केजी, मतलब कमरे तो 10 बन रहे हैं लेकिन 6 केजी ही गेहूं बना सकता है, और ये केवल 4 केजी ही गेहूं बना सकता है, यानी कि जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे, ये मकान बनाने में तो समान रूप से कुशल हैं लेकिन गेहूं का उत्पादन करने में समान रूप से कुशल नहीं है। क्योंकि ये समान रूप से कुशल नहीं है, इसलिए अब आपको 2 मकान को हटाना पड़ेगा अगर आप 10 किलो और बनाना चाहते हो। इसका मतलब अब आपके पास केवल 70 कमरे रह जाएंगे, यानी कि अगर आप चाहते हो कि 20 किलो गेहूं बने तो आपके पास केवल 70 रूम रह जाएंगे, यही समझना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सभी साधन सभी वस्तु के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ए कुशल था गेहूं बनाने में, उतना ही बी प्लस सी मिलाकर कुशल है, उतना ही
इसको हम नाम दे देते हैं डी ई एफ और जी, ठीक है, यानी कि उतना ही जो कुशल है वो है हमारा डी ई एफ, डी ई एफ। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 केजी अगर आप और वृद्धि करना चाहते हो तो आपको 3 कमरों से हाथ धोना पड़ेगा, यानी 3 मतलब 30 कमरों से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब 30 का उत्पादन अगर होता है तो यहां पर जो उत्पादन होगा वो केवल 40 का होगा। लॉजिक वही लग रहा है, क्योंकि सभी साधन सभी वस्तु के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं होते। अगर इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए 4 और काटने पड़ेंगे 10 और वृद्धि करने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहां पे उत्पादन करते हैं 40 का, तो यहां पर जो उत्पादन रह जाएगा बच्चों वो शून्य का रह जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हर बार बोलूंगा कि सभी साधन समान रूप से कुशल नहीं होते। देखिए मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर 10 हैं, ठीक है, और अकाउंट पढ़ाने वाले उतने कुशल तो नहीं। जैसे मैं ही मान लो इकोनॉमिक्स की जगह अकाउंट पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं उतना एफिशिएंटली अकाउंट नहीं पढ़ा सकता या उतनी एफिशिएंटली पॉल साइंस नहीं पढ़ा सकता। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से मुझे हटाया जाएगा इकोनॉमिक्स से पॉल साइंस की तरफ, तो सेम उत्पादन जो मैं इकोनॉमिक्स में कर रहा हूं उतना मैं पॉल साइंस में उत्पादन नहीं कर सकता, और हटने वालों में सबसे लास्ट में मैं रहूंगा, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी किसी की इकोनॉमिक्स पढ़ाने में उतना ही ज्यादा वो दूसरे सब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि कर रहे हो, आपको वाई वस्तु की मात्रा पहले से ज्यादा त्याग करनी पड़ रही है। इसको हम बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत का क्या मतलब हुआ, डेल्टा लॉस, लॉस किसका हुआ है वाई का, अपॉन डेल्टा गेन। यानी कि आप याद रखिएगा लाभ को, सॉरी डेल्टा लॉस यानी कि हानि को लाभ से डिवाइड करना है, बस आप इसको याद रखिएगा स्लोप निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए कितना चेंज में, यहां पे कितना चेंज आया है, 10 की हानि बटे 10 का लाभ, 20 की हानि बटे 10 का लाभ, 30 की हानि बटे 10 का लाभ, 40 की हानि बटे 10 का लाभ। तो इस तरीके से इस केस में जो सीमांत अवसर लागत है वो एक रहेगी, इस केस में सीमांत अवसर लागत 2 रहेगी, इस केस में सीमांत अवसर लागत 3 रहेगी, इस केस में सीमांत अवसर लागत 4 रहेगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि देखिए पहले वाली वीडियो में हमने समझ चुके हैं, क्योंकि समान मात्रा में वृद्धि करने के लिए जो त्याग की दर है वो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जो पीपीसी बनेगा उसकी जो शेप होगी वो नतोदर होगी। ठीक है, याद रखना इसको बोलते हैं नतोदर ढाल। ओके बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर हम देखिए कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा हो गया ए 2, 3, 4 एंड 5, तो नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, दोबारा से लेते हैं क्योंकि हमें तो केवल 40 तक उत्पादन दिखाना है ना। ठीक है, तो ये हमने 2 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 एंड 40। ओके बच्चों, तो देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे आप 10 का उत्पादन करते हो, ये हम ए पॉइंट बी पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि समान मात्रा है ना, इसलिए हम इसको सीधा सीधा ले लेते हैं। तो ये ए हो गया, बी सी डी और ई। अब हम देखते हैं वाई वस्तु का उत्पादन कितना होगा। तो इस पे तो 100 है ही, इस पर ये 90 है, इस पर ये 70 होगा, इस पर ये 40 होगा और यहां पे 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि बार बार जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है लॉस का, यानी कि इसकी वजह से जो उत्पादन संभावना वक्र उसका ढाल नतोदर हो गया। तो बच्चों यहां पर अगर हम मान्यताओं की बात करें तो एक बार पहले मान्यताएं समझ लेते हैं। तो बच्चों उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता यह है कि जो उपलब्ध साधन है उनकी मात्रा स्थिर है। इसका मतलब जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं वो सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा तकनीक स्थिर है। इसका मतलब जब हम ये पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं तो उस दौरान तकनीक में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा संसाधनों का, यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है हम उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी संसाधन बेकार चला जा रहा है, हम उसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों जो साधन है वो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। यानी कि हमने ये माना है कि अगर एक वस्तु के उत्पादन में सभी साधन समान रूप से कुशल हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि दूसरी वस्तु के उत्पादन में भी सभी साधन समान रूप से कुशल होंगे। इसके अलावा अगली मान्यता ये है कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, यानी कि एक साधन का उपयोग हम कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं।
तो बच्चों ये हमारी मान्यता हुई। अब हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो पहली विशेषता तो ये है बच्चों कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर का क्या मतलब? डाउनवर्ड, इस तरीके से। देखिए नीचे की ओर, ऊपर की ओर, मैं आपको फिर से बता देता हूं, नीचे की ओर का क्या मतलब है, ऊपर की ओर का क्या मतलब है। नीचे की ओर होने का मतलब है किसी भी का ढाल कि अगर आप एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हो तो आपकी वाई वस्तु की मात्रा में कमी होगी। तो इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है, क्योंकि यह बताता है कि जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाओगे आपको वाई वस्तु की मात्रा पहले से ज्यादा, हर बार ज्यादा त्याग करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट है। इसके अलावा दूसरी जो मान्यता है या दूसरी जो विशेषता वो ये है कि ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, जिसकी कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है, क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करोगे समान रूप से आपको वाई वस्तु का जो त्याग है वो पहले से ज्यादा करना पड़ेगा। तो बच्चों ये है इसकी पूरी की पूरी मान्यताएं। तो बच्चे चलिए अब हम बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र में किसका, या उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन की। तो देखिए अभी तक हमने जो मान के चले थे वो ये माना था, दो मान्यता हमने मानी थी, नंबर वन तकनीक जो है वो स्थिर है, दूसरा साधन की मात्रा गिवन है। इसका मतलब उत्पादन संभावना वक्र में एक बाउंड्री बन गई गिवन टेक्निक में और गिवन साधनों में, सॉरी दिए गए साधनों और दी गई तकनीक में। तो यहां पर बच्चों आपको यह बात समझनी होगी कि उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जो पहले हमने जो दो मान्यताएं मानी हैं उनको हम एक तरीके से छूट दें। तो अगर हम उनको छूट नहीं देंगे तो उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम छूट देते हैं तो देखिए किस तरीके से परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी पुरानी बाउंड्री है, ठीक है, हम सभी रह रहे हैं, पुरानी वाली बाउंड्री बना रहे हैं। ओके जी, हमने ये पुरानी बाउंड्री बना ली जिसको कि हम ए बी के नाम से जानते हैं। पुरानी बाउंड्री बन गई हमारी। अब मान लीजिए कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होता है। खिसकाव किसकी वजह से होगा? या तो दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा। अगर तकनीक में सुधार होता है तो इससे डेफिनेटली दाईं ओर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा इन दाईं ओर होगा, या साधनों की मात्रा में वृद्धि होती है तो भी दाईं ओर बढ़ेगा। तो इस केस में ये जो है, ये जो बाउंड्री बनी है गिवन टेक्निक एंड गिवन तकनीक, दी गई तकनीक और दी गए साधनों में बनी है। लेकिन जैसे ही अगर आप इस मान्यता को रिलैक्सेशन करते हो तो आपका ये जो पीपीसीआई है ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये क्या बता रहा है कि या तो आपकी तकनीक में सुधार हुआ होगा या संसाधनों की मात्रा में वृद्धि हो गई होगी, जिसकी वजह से, यानी कि या तो ये तकनीकी सुधार हुआ होगा, तकनीकी सुधार या संसाधनों में वृद्धि हुई होगी। जो भी हुआ होगा इसी वजह से ये दाईं ओर गया है। अगर हम बाईं ओर की बात करें तो बच्चों डेफिनेटली कॉजेज वही रहेगा कि या तो तकनीकी खराबी हो गई होगी, ठीक है, या संसाधनों की मात्रा में कमी आई होगी, तकनीकी खराबी या संसाधनों की मात्रा में कमी। चलो जी यहां तक तो हमें बात समझ में आ जानी चाहिए। अब मान लीजिए यही केवल एक्स वस्तु के लिए हुआ है, ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि तकनीक सुधरी हो केवल मोबाइल फोन की, जबकि टीवी की तकनीक में सुधार नहीं हुआ हो, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर तकनीक में सुधार होता है केवल एक्स वस्तु की तो वो दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो संसाधन बढ़े हैं, मैं यहां लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, आप समझ लीजिएगा, ये क्या बता रहा है कि जो संसाधन बढ़े हैं वो केवल एक्स वस्तु के लिए बढ़े हैं, ठीक है, जो तकनीक सुधरी है वो केवल एक्स वस्तु के लिए सुधरी है। और इसी तरीके से ये अंदर की तरफ खिसक जाएगा, इस तरीके से अगर तकनीकी खराबी होती है केवल एक्स वस्तु के लिए या तकनीकी संसाधनों की मात्रा में कमी होती है केवल एक्स वस्तु के लिए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक्स वाई वस्तु के लिए तकनीक में सुधार होती है तो ये वायु ऊपर की ओर खिसक जाएगा, और अगर वाई वस्तु के लिए तकनीक में खराबी होती है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, साथ ही संसाधनों की मात्रा में कमी होती है तो भी ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपको मान लीजिए कई सारे पॉइंट दे सकता है, आपको अपनी कॉमन सेंस लगाना होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कोई सुनामी आती है तो उसका उत्पादन संभावना वक्र पे क्या असर पड़ेगा? अंदर ये लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट शिक्षा पर जोर देती है तो उत्पादन संभावना वक्र पे क्या असर पड़ेगा? बाईं ओर खिसक जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा, सॉरी सुनामी से बाईं ओर, और एजुकेशन से
बाई ओर। जैसे कि मान लो एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है तो इसका पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा। भाई स्वच्छ भारत अभियान चलाती है तो लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली उत्पादन संभावना वक्र बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र हमें बहुत सी और भी चीज़ें बताता है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, संसाधनों का विकास, ये सारी समस्याएं जो केंद्रीय समस्या है उसको भी बताता है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बताता है। जैसे क्या उत्पादन किया जाए कि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप, जैसे हमने पिछली बार भी ये बनाया था ना इस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले, 10, 20, 30, 40। तो एक अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अर्थव्यवस्था सभी सहयोगों का तो चुनाव एक साथ कर नहीं सकती है, भाई उसके पास इतनी एबिलिटी थोड़ी नहीं है कि वो सभी साधनों का चुनाव एक साथ कर लेगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो बी सी डी है, ये हमने बताया था 100, 90, 70 और 40। तो आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए अगर आप ए का चुनाव करते हो, सपोज ए का चुनाव करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने केवल एक्स वस्तु का चुनाव किया और सॉरी वाई वस्तु का चुनाव किया, और अगर आप डी का चुनाव, ई का चुनाव करते हो तो आपने केवल वाई, केवल एक्स वस्तु का उत्पादन किया। इसी तरीके से बी जो, सी और डी जो है वो दोनों वस्तु के उत्पादन को दिखाते हैं, लेकिन दोनों की मात्रा अलग अलग है। जैसे बी में क्या है, 10x है और 90y है, सी में क्या है, 20x है और 70y है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने चुनाव की समस्या जो है वो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो सॉर्ट आउट करता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से पॉइंट पे रहें। इसके अलावा बच्चों देखिए तकनीक की जो समस्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि उत्पादन संभावना वक्र पर जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो बी हो, सी हो या डी हो, चाहे ए हो, चाहे ई हो, ये सभी के सभी दिखाते हैं संसाधनों का पूर्ण उपयोग और तकनीकी कुशलता को, यानी कि अगर कोई भी साधन बेरोजगार रह जाता है या तकनीक अकुशल रहती है तो उत्पादन जो होगा वो इससे अंदर होगा। मैं इसे जी पॉइंट बोल देता हूं। तो जी पॉइंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारी जो तकनीक है वो अकुशल है या संसाधनों का अल्प उपयोग हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था को ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे कि अर्थव्यवस्था जो है वो पीपीसी पर चले जाए, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर जाए उससे मैटर नहीं है, लेकिन हमें चाहिए ये वाले इनमें से कोई एक पॉइंट। तो बच्चों इस तरीके से हमारा उत्पादन संभावना वक्र का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।